अफगानिस्तान ने हिस्ट्री बना दी है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अफगानिस्तान ये मैच जीत जाएगा। कहां से अफगानिस्तान ने इस मैच को जीता और बांग्लादेश ने कहां से हारा है, और बांग्लादेश खुद हारा नहीं है बल्कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी बाहर करवाया है। अफगानिस्तान ने ब्लॉकबस्टर मैच जीता। नवीनुल हक की शानदार ओवर, जिस तरीके से उन्होंने दो बॉलों पे दो विकेट निकाले, लितुन दास देखते ही देखते रह गए और अफगानिस्तान मैच लेके चला गया। इतना बड़ा क्लोज मैच मैंने आज तक नहीं देखा कि वर्ल्ड कप के आखिरी दो मैच जितने खतरनाक होने थे वो हो गए। अफगानिस्तान की टीम के मैं प्लेयर्स को देख रहा था किस तरीके से रोने वाले हुए थे जब ये लोग हार रहे थे। बांग्लादेश क्वालिफाई करने के चक्कर के अंदर, तेज खेलने के चक्कर के अंदर वो ये भूल गए वो टीम है तो है क्या। आफरीन है इस टीम के ऊपर भी 115 भी चेस नहीं कर पाई, बल्कि 114 नहीं चेस कर पाई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। जी हाँ, माइटी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, जो डिपेंड कर रहे थे बांग्लादेश के ऊपर, जिनके अपने फैन इस टीम के ऊपर डिपेंड नहीं करते वो बांग्लादेश के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। मतलब बंदा पूछे किसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे। अफगानिस्तान अच्छी क्रिकेट खेल रहा था और अफगानिस्तान ने करके दिखाया। लितुन दास जब तक खड़ा था टेंशन हो रही थी, लेकिन लितुन दास बहुत ज्यादा डीप ले गए। उनको ये पता होना चाहिए था कि जो बॉलर्स हैं वो नहीं खेल सकते। और नवीनुल हक ने जो शानदार किस्म का ओवर किया है जिसमें उसने दो विकेट्स निकाली है, सारा मैच को तब्दील करके रख दिया। अब होगा अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल, दूसरी तरफ होगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेमीफाइनल। मतलब के दो एशिया की टीम पहुंची। अफगानिस्तान ने फर्स्ट टाइम किसी बड़े टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के अंदर क्वालिफाई किया, और जितना क्रेडिट दिया जाए इनके कोच ट्रॉट को और ब्रावो को उतना कम है। वो किस तरीके से बाउंड्री के ऊपर खड़े होकर मैसेजेस भिजवाए जा रहे थे, जितनी तारीफें की जाए कम है। मतलब ये लोग हिम्मत नहीं हारे। 114 कोई स्कोर नहीं होता, बहुत कम स्कोर होता है, लेकिन उसको डिफेंड करवाया। पहले तो जिसको कहते हैं बांग्लादेश को क्वालिफाई नहीं करने दिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को भी रोका, बांग्लादेश को मैच ही हरा दिया। इससे बड़ा क्लोज मैच क्या हो सकता है। बार बार बारिश आ रही है, कभी डीएलएस पार स्कोर पे बांग्लादेश ऊपर है, कभी अफगानिस्तान ऊपर है, लेकिन फिर बारिश रुकती है, फिर मैच शुरू होता है। फिर भी मैं कहूंगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे की गलती हुई है, लितुन दास। लितुन दास को ये पता होना चाहिए था कि ये नहीं टिक सकते, इसको तेज खेलना चाहिए था। वो सिंगल सिंगल के चक्कर में मैच को डीप लेके चला गया और उसने ये देखा ही नहीं कि भाई मेरे बॉलर्स मेरा साथ नहीं दे सकते, और मैच हरवा दिया। खैर, बांग्लादेश अगर जीत भी जाता तो कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उन्होंने क्वालिफाई तो करना नहीं था, उनको ये चेज करना था 12.1 ओवर के अंदर, वो चेज ही नहीं कर पाए। असल मसला था ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्या हो गया, टाटा बाय बाय हो गया। ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप से बाय बाय हो चुका है, क्योंकि अफगानिस्तान ने हिस्ट्री बना दी। अफगानिस्तान ने वो करके दिखा दिया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप के 2024 के प्ले ऑफ क्या सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, और इससे बड़ी विक्ट्री क्या हो सकती है। मैं फैंस को देख रहा था डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे थे, रहमानुल्लाह गुरबाज जो के कीपिंग नहीं कर रहे थे वो रोने वाले हुए थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कमबैक मारा, नवीनुल हक दिल जीत लिया। नवीन ने स्टार्टिंग में भी विकेट्स निकाल के दी और एंड के अंदर भी विकेट्स निकाल के दी। ये अगर फजल अकबर रुकी होते तो उनको मार पड़ जानी थी, लेकिन नवीनुल हक ने बड़ी शानदार किस्म की बॉलिंग की और विकेट्स निकाल के दिए, दो बॉलों पर दो विकेट्स। आप ये सोचेंगे कितना क्लोज ये मैच गया हुआ था, और ये जो मैच था सही में एक महीने का पैसा वसूल मैच था। इससे बड़ा पैसा वसूल मैच कोई हो ही नहीं सकता, बहुत बड़ा आउटस्टैंडिंग पैसा वसूल मैच था। अब इस मैच के जरा पहलुओं के ऊपर बात करते हैं। एक तो राशिद खान ने जो चार विकेट्स निकाले ना एकदम से, वो बड़े क्रूशल विकेट थे। आप ये देखें कि एक टाइम पे बांग्लादेश के लग रहा था कि बांग्लादेश तेज खेल के क्वालिफाई भी कर जाए, लेकिन एकदम से क्या हुआ, बांग्लादेश की विकेट्स पे विकेट्स गिरते रहे। इनके महमूदुल्लाह और शाकिबुल हसन को एज सून एज पॉसिबल रिटायरमेंट देनी चाहिए, क्योंकि ये प्लेयर कुछ करने के लायक नहीं जिस तरह से ये आउट होके गया। उसके अलावा अगर बात की जाए इसी टीम की, तो इस टीम के अंदर वो दम नजर नहीं आ रहा। ये तो बहुत जिसको कहते ना हल्की टीम बनके साबित आगी हुई है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम फाइट करती है यार, मतलब कम स्कोर भी हो फिर भी वो फाइट करते हैं, उनको अपनी बॉलिंग के ऊपर इतना यकीन है। ये होती है टीम, ये होता है जज्बा, ये होता है। जिस तरीके से सेमीफाइनल के अंदर गए, ये अब जाके साउथ अफ्रीका को भी हरा सकते हैं, साउथ अफ्रीका के लिए ज्यादा खतरनाक ओपोनेंट बन के सामने आ सकते हैं, और ये फाइनल में भी जा सकते हैं। इस टीम में जज्बा नजर आ रहा है, इन्होंने कितने ही अपने मैचेस जीते हैं। ये होती है टीम, ये होते हैं गट्स, और वो वाला मैं अभी तक भूला नहीं, जिस तरीके से ट्रॉट ने कहा कि बारिश आने वाली, गेम को स्लो करो। गुलबदीन नाइट जो कि स्लिप में कैच के लिए खड़े हुए थे, वो देखते हैं वो क्या ड्रामा करते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं।
वो फोरन नीचे गिर जाते, टांग में दर्द शुरू हो गया, मतलब कुछ हुआ भी नहीं है, कमेंटेटर भी हंस रहे हैं और मैच को स्लो कर देते हैं, फिर बारिश भी आ जाती है, गेम रुक जाती है, लेकिन उसका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा से गेम शुरू होती है। लेकिन एट द एंड होता क्या है कि अफगानिस्तान ने हिस्ट्री बना दी, अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के अंदर क्वालिफाई कर लिया। इससे बढ़ के क्या हो सकता है, इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। हिस्ट्री हैज क्रिएटेड बाय अफगानिस्तान, मुबारकबाद अफगानिस्तान को। मैंने तो पिक किया था इंडिया और अफगानिस्तान जाएंगे सेमीफाइनल के अंदर, ये चले गए, मेरी तो टीम्स चलेगी। लेट्स सी, देखते हैं कि अब ये फाइनल तक कौन कौन सी टीमें जाएंगी और क्या होगा। अफगानिस्तान को यहां से मैं समझता हूं कि अब ट्रॉफी भी जीत जानी चाहिए, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं, बड़ी शानदार आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई है। अब देखते हैं आगे जाके क्या करेंगे। नवीन हक छा गए, क्या शानदार किस्म का ओवर किया है और कैसे टेल एंडर को फारिग किया है।